नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक में। कोरोना काल में हम खास तौर से फोकस कर रहे हैं हमारे स्वास्थ्य पर और बड़े सवाल भी उठे हैं हमारी निजता पर। कोरोना वायरस के तहत किस तरह से आरोग्य सेतु जैसी एप्स और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमें किस तरह से इंपैक्ट कर रहे हैं। इसी समय में बहुत ही क्रूशल जंक्चर पर भारत सरकार ने एक पॉलिसी का प्रस्ताव किया है, एक ड्राफ्ट पॉलिसी जो की है नेशनल हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी। इसे सरकार ने 26 अगस्त को सामने लाई और सरकार ने लोगों को कुछ ही समय दिया, सिर्फ 3 सितंबर तक समय दिया था कि लोग अपने प्रस्ताव आगे रखें, अपने ऑब्जेक्शंस को आगे लेकर आए। और ये पॉलिसी हमें किस तरह से प्रभावित करती है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं जन स्वास्थ्य अभियान से रिसर्च एसोसिएट दीपिका जोशी, जो कि छत्तीसगढ़ में काम करती हैं। दीपिका, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो दीपिका, हम सबसे पहले दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आखिर ये पॉलिसी है क्या और इसे इस तरह से क्यों प्रस्ताव सरकार इतनी जल्दी में क्यों लाई है इस पॉलिसी का। हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी जो 26 अगस्त को सरकार ने उसका ड्राफ्ट रिलीज किया है कंसल्टेशन के लिए, बट उससे पहले ही 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अनाउंस किया था। तो इन दोनों को साथ में बहुत जरूरी जरूरत है हमको देखने की। जो NDHM अनाउंस हुआ था उस पर कोई कंसल्टेशन एज सच हुए नहीं थे, इवन दो उससे पहले जो ब्लूप्रिंट था उसमें हुए थे। बट एक हमारी जो स्ट्रांग मांग है कि आप HDMP को जो 15 अगस्त का जो अनाउंस था उससे अलग करके नहीं देख सकते हैं। दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से लिंक्ड हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 2013 में सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए थे, उसके बाद बहुत शांति थी। फिर 2017 में हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी। 2018 में एक बहुत क्रूशियल डॉक्यूमेंट आया था जो नीति आयोग ने रिलीज किया था, नेशनल हेल्थ स्टैक करके, विच इन अ सेंस एक शुरुआती डॉक्यूमेंट था ये हेल्थ डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद अगले साल यानी कि पिछले साल 2019 में नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट आया था, जिसपे हमने एज अभियान भी कुछ कुछ रिसोर्सेज बनाए थे एंड इसके लिए कंसल्टेशंस किया था सरकार ने। सो क्रूशियल थिंग इज कि 15 अगस्त को जो अनाउंसमेंट हुआ था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM, उसमें जिसमें हेल्थ ID की बात की थी और जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही थी, उस पे कोई कंसल्टेशंस एज सच नहीं हुए थे। और उसके बाद अभी 26 अगस्त को ये हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी आई है जिसमें कंसल्टेशंस इनवाइट किए हैं। और हमारा मानना है कि आपने NDHM पे भी कंसल्टेशंस इनवाइट करने चाहिए थे, क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड हैं, है ना। किस तरह से ये जो पॉलिसीज हैं ये इंटरलिंक्ड है बिल्कुल, और हम लोगों को एज रेजिडेंट्स ऑफ दिस कंट्री किस तरह से वो प्रभावित करेंगे, किस तरह से उनके डेंजर्स क्या है, ये आप हमें समझाएं। जो एंटायर आइडिया है, द आइडिया इज अराउंड डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स। आप जब अस्पताल, सबसे पहले तो जब एक पेशेंट अस्पताल जाता है तो इट सेज डिजिटलाइजेशन ऑफ क्लिनिक ऑल क्लिनिकली रेलेवेंट एनकाउंटर्स। आपकी जो डिस्चार्ज टिकट्स हैं, आपकी जो एक्सरे रिपोर्ट है, पर्ची कटती है, उन सबको डिजिटलाइजेशन का ये एक प्रोसेस है, ये पहला चीज। दूसरा है रजिस्ट्रीज बनेगी पेशेंट्स की ही नहीं, डॉक्टर्स की, अस्पतालों की, ताकि ये लोग जो हेल्थ डेटा है ये एक्सचेंज कर पाए एक दूसरे के साथ। ये एक मुख्य आइडिया है, है ना, कि देयर शुड बी अ सीमलेस एक्सचेंज ऑफ हेल्थ डेटा ऑफ पेशेंट एटसेट्रा। एंड तीसरा है कि ऐसे सिस्टम्स बनाना कि आपको इंश्योरेंस क्लेम में आसानी हो, आपको टेलीमेडिसिन की प्रक्रिया में आसानी हो, अपार्ट फ्रॉम अदर फीचर्स। ये कैसे प्रभावित करेगी, सी दैट इज ये एक ऐसी चीज है जो हमको अभी हम लोग सिर्फ गेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन दीज पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। वी ऑल नो दीज पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स प्रॉमिस अ लॉट, बट जब इम्प्लीमेंटेशन होता है फील्ड में देयर सो मेनी इश्यूज दैट कम अप। तो बेस्ड ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स 3-4 मुद्दे हैं जो कि कंसर्न के मुद्दे हैं। ये जो पूरा जो हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी है, ये इसकी जो अथॉरिटी है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को दे रखी है। एंड व्हाट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज नॉट
योर हेल्थ मिनिस्ट्री. इट इज नॉट इवन अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यू नो. ये एक टाइम पे PMJY को यू नो इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई गई थी, और बाद इसको कैबिनेट ने एक कैबिनेट ऑर्डर से इसको अथॉरिटी बना दिया, नेशनल हेल्थ एजेंसी से नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बना दिया. सो दीज, इसका मतलब ये है कि जो आपकी एंटायर पॉलिसी है वो it will be in a way led and implemented by an executive body which is national health authority. To usme kitna usme parliamentary scrutiny rahegi, kitna accountability rahegi which otherwise the ministry would have. To agar aap iska structure bhi dekhenge to abhi main HDMP ki baat kar rahi hu, health data management policy mein jo aapki health ministry aur information MeitY hai, ministry of information technology, वो इन अ सेंस मार्जिनलाइज्ड है, वो सिर्फ रेगुलेटरी ओवरसीइंग कर रही है, एंड NHA एक लार्जर इम्प्लीमेंटेशन रोल ले रही हैं. तो ये एक पहला मुद्दा है जो कि हम सबको यू नो प्रश्न करने की जरूरत है, सचेत हो जाने की जरूरत है. तो हमारी डिमांड यही रही है कि अगर आप नेशनल अथॉरिटी से इसका इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं तो इट शुड बी बैक्ड बाय अ लेजिस्लेटिव यू नो फ्रेमवर्क. A bill should be passed in the parliament for that, one. Second is the inconsistencies in these two things are very closely related, NDHM and HDMP, aur ye HDMP NDHM ko refer bhi karti hai, jo policy hai wo national digital health mission ko refer karti hai, but usme bahut sari inconsistencies hain. To ek jaise maine bataya ki जहां पे NDHM में फिर भी अगर आप देखें तो हेल्थ मिनिस्ट्री का फिर भी एक बेटर रोल है, ज्यादा रोल है. दूसरा उसमें आपके एम्पावर्ड कमिटीज हैं, स्टीयरिंग कमिटीज हैं, जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं. यू नो ठीक है, यू हैव नीति आयोग, यू हैव हेल्थ अथॉरिटी एक्सेट्रा, बट यू हैव डिफरेंट मिनिस्ट्री, WCD, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री एक्सेट्रा. उन सबका मेंशन कहीं भी हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी कहीं भी नहीं है, जो कि विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. बड़ा सवाल इसमें फिर निजता पर भी आ जाता है. सो डेटा कलेक्शन हो रहा है और हमारे एडिशनल आईडी जी, उसके बारे में अगर आप हमें बताएं. जब आप व्हेन यू रीड द पॉलिसी, इट्स ऑल अबाउट कलेक्टिंग पेशेंट डेटा, पर आप ये नहीं बता रहे कि आप क्यों, मतलब क्या इसका इवेंचुअली इसका पब्लिक हेल्थ रोल क्या है. इज इट जस्ट कलेक्टिंग डेटा फॉर यू नो कलेक्शन सेक, और इज इट व्हाट इज द इवेंचुअल, हाउ आर यू इवेंचुअली प्लानिंग टू यूज दिस डेटा, व्हाट इज द लार्जर पब्लिक हेल्थ पर्पस ऑफ यू नो सच काइंड ऑफ कलेक्शन, वन. सेकेंड, इस तो ऐसा लगता है कि पूरा जो फोकस है वो एक तरीके से इंडिविजुअल क्लेम मैनेजमेंट, इंडिविजुअल केस मैनेजमेंट पे है, यू नो दिस पर्सन. और ये ज्यादातर हम सभी जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी इसको ज्यादा फेवर करेगा, यू नो, या फिर उस तरीके की टेलीमेडिसिन की प्रैक्टिसेस को ज्यादा फेवर करेगा आदि. तो एक जो एक लार्जर जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स में इस डेटा कलेक्शन का क्या रोल है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है. दूसरा, दैट जो एक पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स का रोल है वो एक उसके बारे में हेल्थ पॉलिसी बिल्कुल बात नहीं कर रही है. बड़े सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि एक एडिशनल आईडी की क्या जरूरत है, हमारे पास आधार ऑलरेडी है जो कि एक अपने आप में ही बड़ी सर्वेलेंस और डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज है. तो इस पर जन स्वास्थ्य अभियान और आप भी किस तरह से रिफ्लेक्ट करती हैं, क्या पोजीशन है इसकी? तो ये जो पॉलिसी बोलती है कि जो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी एंड आल्सो द एंटायर डिजिटल हेल्थ मिशन इज द क्रिएशन ऑफ अ डिजिटल हेल्थ आईडी. सो द आइडिया इज दैट यू हैव अ सेपरेट आईडी, डिजिटल हेल्थ आईडी, विच विल बी लिंक्ड ईदर टू आधार एंड विच विल ईदर लिंक टू आधार और यू नो अदर. So Aadhaar is one option that has been given in this policy. वो आपका फोन नंबर भी हो सकता है, वो आपका ईमेल भी हो सकता है, वो आपका दूसरे आईडी कार्ड भी हो सकते हैं. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कंसर्न इज मोर अबाउट क्रिएशन ऑफ दिस डिजिटल हेल्थ आईडी एंड putting all your records at one place, you know, it's like a repository of all the patient health records. And even though ye jo policy hai ye bol rahi hai ki patient is the eventual data owner and you know eventual jo final rights lie with the data, but we have had
बैड एक्सपीरियंसेस विद आधार एंड आरोग्य सेतु लाइक एप्स, राइट, जहाँ पे एक टाइम पे नॉन मैंडेटरी बोल के किस तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू आरोग्य सेतु को भी और आधार को भी मैंडेटरी कर दिया गया था. तो ऐसे में ये ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है कि इस हेल्थ आईडी को आगे जाके डिस्पाइट द अश्योरेंस इन द पॉलिसीज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू यू नो बिलीव दैट दिस हेल्थ आईडी विल नॉट बी हर्डल इन पेशेंट्स एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज. सो दिस इज व्हाट आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस हैव टोल्ड एंड स्पेशली व्हेन इट्स वेरी इजी टू पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स व्हेन इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. सो दैट इज वन. दूसरा कंसेंट की बात भी करते हैं. अगेन पेशेंट की बात आ रहे हैं तो डिस्पाइट अगेन ऑल द इंश्योरेंस कंसेंट हम सभी जान रहे हैं कि कितना इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है. अगर आज आप और मैं मिडिल क्लास लोग प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाते हैं तो कितना हमने स्टोरीज देखी है कितनी मजबूरी में लोग जाते हैं. डिस्पाइट बीइंग वेल लिटरेट वी आर नॉट एबल टू हम नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ चाहे अपने बिल्स पैसा देने की बात हो और इवन इफ इट्स सिंपली आस्किंग कि हमें हमारे पेपर्स दे दो. इमेजिन इस तरह की सिचुएशन में जो यू नो नॉन लिटरेट पर्सन है वो उसकी कंसेंट कितनी रियल कंसेंट होगी. वन सेकंड स्पेशली इन समथिंग लाइक हेल्थ जहाँ पे आप मजबूरी में ही जहाँ पे वल्नरेबिलिटी की पोजिशन में यू आर ऑलवेज यू नो आप हेल्थ फैसिलिटी एक वल्नरेबिलिटी की पोजिशन में जाते हैं. सो ये सारे क्वेश्चंस हैं अपार्ट फ्रॉम यू नो वेरी वीक ग्रीवांस रिड्रेसल इन द पॉलिसी. नो प्रोविजन फॉर पेनल्टी जहाँ पे आप पेनल्टी के नाम पे यू नो आप डॉक्टर को सस्पेंड कर रहे हैं या हेल्थ अस्पताल मान लीजिए अगर मेरा डेटा कल लीक हो गया है जिसकी जिम्मेदारी अस्पताल के पास थी या डॉक्टर के पास थी तो क्या सस्पेंशन इज इनफ. आई रिमेम्बर जब एक बार छत्तीसगढ़ में हम लोग there was this case जहाँ पे महिलाओं के गर्भाशय निकाले जा रहे थे without consent from them, you know, just to make a lot of money through insurance cards, जबकि उनकी जरूरत भी नहीं थी. तो at best these practitioners को you know one day suspension, one week suspension मिला था and अस्पताल फिर से खुल गए थे. So, I mean, it's you. आपका एक larger जो grievance redressal system, accountability system already नहीं है तो how are you expecting कि ये उस तरह के मुद्दों को उस तरह के मुद्दे इस policy के through you know deal हो पाएंगे. तो all those concerns are still there. And of course, जो आपने शुरू में बोला you know surveillance and authoritarianism, जो कि मैंने पहले भी बोला कि data seems to be you know the end of it is data collection. It seems like the end of it is data collection, the entire project. So what is it? And especially recent mahol mein you know so having such a large data repository on a central level kitna safe hai aur wo kaise citizen ke khilaf use nahi hoga is all are the other concerns that sawal hain jo is policy par uth rahe hain. aise mein agar briefly aapko ek message dena ho ki kis tarah se hame satark ho jana chahiye in policies ko leke aage kis tarah ki campaign honi chahiye in par prashn kaise uthne chahiye agar aap us pe bataye aur fir hum isko samapt karenge. या सी आई थिंक सबसे पहले तो ऑलरेडी अलग अलग यू नो स्टेक होल्डर्स से रेजिस्टेंस हो रहा है. सो हमारे प्राइवेसी एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे जन स्वास्थ्य अभियान इज प्लानिंग अ कैंपेन अबाउट इट. सबसे पहले तो कंसल्टेशन प्रोसेस में इंगेज होने से पहले हम लोग कंसल्टेशन प्रोसेसेस को क्वेश्चन कर रहे हैं. उसके बाद वी विल गेट इंगेज इन क्वेश्चन. आई थिंक सारे जो हेल्थ मूवमेंट्स हैं प्लस ऑल दी अदर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो दी प्राइवेसी एक्टिविस्ट एंड दी लीगल यू नो लीगल कम्युनिटी नीड टू क्रिटिकली लुक एट दीज टू बिल्स एंड इन टैंडम विद ईच अदर. वन सेकेंड ऑल्सो वी ऑलरेडी प्लानिंग टू डू दैट यू नो स्टार्ट अ कैंपेन टू इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने के लिए क्योंकि सी वॉट कि व्हाट इज द इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ सच अ पॉलिसी. यू आर द इज दिस द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट अ हेल्थ सिस्टम इज फेसिंग टुडे. इज इट
आज के दिन में पेशेंट का प्रॉब्लम है उसको अस्पताल नियरेस्ट अस्पताल में बेड नहीं मिलना या उसके लिए पैसे नहीं होना या ऑलरेडी दे डोंट हैव इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उनके पास. सो डू यू थिंक दैट ये एक डिजिटल हेल्थ प्रोजेक्ट एक प्रायोरिटी है रादर देन यू नो इन्वेस्टिंग मोर ऑन रादर देन पुटिंग मोर बजट्स ऑन योर दीज आर नॉट द सब्स्टिट्यूट्स नो फॉर योर ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम. सो रादर देन पुटिंग मोर मनी ऑन योर health systems rather than recruiting more health workers. अगर आपको लगता है कि health workers recruit rural areas में health workers को recruit करने का substitute telemedicine है, then we do not agree with that. It might not be a very valid solution. Things like that. So बहुत बहुत जरूरी है प्रश्न उठाना about the priority और जिस mission mode में इस तरह के project को शुरू किया जा रहा है. Especially when our foundations of public health systems in our country are very weak. ये बहुत ही insightful चीज आपने बोली. इतने बड़े प्रश्न हैं जो हमारे सामने हैं और एक health crisis है जिससे हम अभी जूझ रहे हैं और उस समय पर कि क्या जरूरत है इस पॉलिसी की बिना किसी कंसल्टेशन प्रोसेस के. तो इन्हीं सवालों के साथ अभी हम दर्शकों को छोड़ेंगे कि किस तरह से वो सोचें सरकार की नीतियों के बारे में, कोरोना काल में क्या हमारी प्रायोरिटीज हैं, क्या सरकार की प्रायोरिटीज हो उनके बारे में हम सब सोचें. तो इस इंटरव्यू को देखने के लिए दर्शकों का शुक्रिया. दीपिका, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए.